आज सरिता किचन कॉर्नर में बनने जा रहा है आलू बैंगन और ये मूंग की बड़ी की सब्जी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी है गाय, और ये मैं मूंग की बड़ी डाल रही हूँ और इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करके फिर सब्जी बनाएंगे गाय। हाँ गाय, ये हो गया, देखिए हमारी बड़ी भुन गई है। तो अब मैं ये निकालूँगी आलू बैंगन में। ये अगर बड़ी डाल के बनाए ना गाय, इतनी यम्मी और टेस्टी बनती है ना, बहुत ही जानदार बनता है। अब इस तरह से बना के देखिए। हाँ गाइस, अब ये मैंने इसमें पांच फोरन डाल दिया और ये जीरा डाल दिया गाइस, और ये प्याज डाला है ना। अब ये प्याज ब्राउन होगा फिर मैं आलू बैंगन डालूंगी, है ना। इस तरह से अपन बड़ी की सब्जी आलू बैंगन के साथ बनाएंगे ना गाइस, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनता है सब्जी। अब ये मैं कुटी हुई लहसुन डाल दे रही हूँ, इससे और अच्छे फ्लेवर आएंगे गाइस। हाँ गाइस, अब ये आलू और बैंगन मैं इसमें छौंक दूंगी। आलू बैंगन डाल के फिर इसमें मसाले डाल के नमक डाल के फ्राई करेंगे, फिर अपन बढ़िया डालेंगे इसमें। हाँ गाइस, इसमें मैंने हल्दी धनिया मिर्ची डाल दिया, ये कट गया मेरी गलती की वजह से, है ना। नमक हल्दी मिर्ची और धनिया मसाले डालेंगे गाइस, और ये भुनी हुई बढ़िया भी डाल दिया मैंने डाल के। अब मैं इसको ढक दूंगी थोड़े देर के लिए और भुनूंगी। हाय गाइस, देखिए ये हमारी अब बड़ी और बैंगन की सब्जी कितनी अच्छी भुन रही है ना। आप चाहे तो सूखी बनाए, चाहे तो थोड़ी सी पानी डाल दे तो आराम से लटपट बन जाएगी अच्छी। आपको जिस तरह से खाना हो आप उस तरह से बना सकते हैं गाइस। हाँ गाइस, अब हमारी ये सब्जी हो चुकी है, देखिए कितना बढ़िया बन गया है ना सब्जी। तो मैं अब इसमें धनिया की पत्ती डाल के और गार्निशिंग करूँगी गाइस। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना सब्जी हमारी, टेम्पटिंग। और कई ये क्या बोलते हैं, आलू बैंगन और मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी। अभी बरसात के सीज़न में ज़्यादा हरा सब्जी मिलता नहीं है ना, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। हेलो गाइस, देखिए ये हो चुका, अब मैं आप लोगों के लिए परोस रही हूँ। अगर हमारी ये आलू बैंगन और उड़द की बड़ी, चने की बड़ी की सब्जियाँ पसंद आई हो तो सरिता किचन कॉर्नर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइस। ये हमारी रेडी हो गई। अगर हमारी ये आलू बैंगन बड़ी की सब्जी पसंद आई हो तो सरिता किचन कॉर्नर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।